नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। जैसे कि आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा जहाँ पे मैंने 24 आवर्स चैलेंज किया था, जिसमें मैंने पूरे 24 घंटे फ़ोन यूज़ नहीं किया था, और 24 घंटे मतलब प्रॉपर 24 घंटे थे वो चैलेंज, जिसके अगर ये नहीं रहती तो कम्प्लीट नहीं हो पाता। अभी आज थोड़ा प्लान है बाल कटवाने जाने का, आज मुहूर्त निकला है बाल कटवाने का, लेट्स सी जाते हैं कि नहीं वो भी देखते हैं, और आज खुला है कि नहीं, बिकॉज आज मंडे है तो मे बी बंद भी हो सकता है। अभी ऐसे में कहाँ पे बाल कटवाने जाऊँ मैं, मुझे लगा बारिश नहीं आ रही है, और अभी विंडो खोल के देखा तो बारिश चालू है। 7:30 बज गए हैं और अभी भी बेचारी एडिटिंग कर रही है, 2.5 घंटे से एडिटिंग कर रही है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी म्यूजिक वाला पार्ट बाकी है, उसके बाद मैं एक बार देखूंगा, उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे। एडिटिंग का तो टाइम लग जाएगा, तो आज पूजा करने का भी थोड़ा लेट हो जाएगा। सब मैं सोच रहा हूँ कि पहले बाल कटवा लूँ, उसके बाद हम जाएंगे पूजा करने के लिए। तो अभी बारिश थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। अभी हल्की हल्की बूंदे आ रही थी, लेकिन अभी उतनी भी बूंदे नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, चलो फटफट जाते हैं बाल कटवाते हैं। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि सैलो वो चालू होगा कि नहीं होगा, तो ये भी अभी मैं सस्पेंस में ही जी रहा हूँ। चलो देखते हैं। अभी वहाँ से ही गुजरा, तो भाई सैलो तो बंद था, और हो गया ही भाई, सोमवार है, सोमवार को बंद ही रहता है, लेकिन मेरे में भी चुल थी, बिकॉज गूगल में भी चुल थी, गूगल में दिखाया था कि वो ओपन है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मॉर्निंग राउंड हो गया। अभी एक आध जगह मुझे पता है वहाँ वो लोग मुस्लिम बंद होगा वहाँ पर भी, चलो देख के आते हैं, अपने को सिर्फ बहाना चाहिए रखने का। It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's बियर्ड अपना शेप में करवा दिया और बाल कटवाया नहीं, बिकॉज मैं मेरा फिक्स है, मैं अभी जहाँ पे गया था वहाँ पे मैं बियर्ड करवाता हूँ, और इससे पहले जहाँ पे गया था वहाँ पे मैं बाल कटवाता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले जहाँ पे गया था वहाँ पे बाल कटवाने का बंद था, इसलिए मैं यहाँ पे आके बियर्ड करवा लिया। तो अभी कल जाएंगे बाल कटवाने के लिए, क्योंकि दोनों में इसलिए ऐसा करो क्योंकि वो बियर्ड का 100 रुपया लेता है और ये बियर्ड का 50 रुपया लेता है, तो अपना 50 रुपये का फ़ायदा रहता है। हम मिडिल क्लास है, ऊपर से गुजराती है, तो भाई फायदा जिधर होता है पहले देखने का। तो इसका 24 आवर्स का चैलेंज आज ख़त्म हुआ सुबह को, और उसके बाद से जो फ़ोन लेके बैठा है ना, वो सुबह से लेके दोपहर तक, हाँ दोपहर तक उसके हाथ पे फ़ोन ही था, कुछ ना कुछ फ़ोन पे टाइम पास किया, वीडियोस देखा, और उसके बाद 3 घंटा BGMI खेला। मतलब मेरे को उसको देख के इतना घंटाला आ रहा था ना, मुझे लगता है कि इसको ना कंटिन्यूस फ़ोन चैलेंज करना ही चाहिए, नो फ़ोन चैलेंज, और ना फ़ोन के बिना रहता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहता है, पता नहीं क्या करने का। कुछ नहीं, मैं बोल रही थी कि तूने अच्छे से फ़ोन चैलेंज तेरा कंप्लीट किया, बस और कुछ नहीं। एडिटिंग तो करवाना, क्या बोला इसने मेरे को बताओ जरा, बोलो क्या बोला। एडिटिंग तो मैं ही करने वाला हूँ, कुछ भी बोला रहेगा मेरे को पता चलने ही वाला है। हाँ तू नहीं करेगी, अभी मैं ही करने वाला हूँ। चलो अभी जाते हैं, और देखो मेरा दाढ़ी हो गया मस्त वाला, बियर्ड वियर्ड हो गया, लेकिन ये बाल नहीं हुआ अभी। अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा ना बाल कटवाने के लिए, तो मेरे को वापस घर पर आना पड़ेगा और नहाना पड़ेगा, और मेरी 2 मीटिंग है आज, तो मुझे वो सब मैस नहीं करना है, तो चलो निकलते फटफट। ये सू बोलू है, मैंने बोली दे जे क्या, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, मज़ा आ रहा है एक्टिवा चलाने का, ऐसे में तो वॉक करने का भी अलग ही मज़ा है। ये सेम मौसम अगर कल दोपहर को होता तो आ हा 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 क्या मज़ा आ जाता। आज सुबह से इतनी ठंडक है, वैसे नहीं कि दोपहर को ही नहीं, सुबह जब से उठा ना मैं, वैसे मैं पिछले 16 दिन से जल्दी उठ रहा हूँ, 16 दिन में से आज पहला दिन है जहाँ पर मुझे लगा कि नहीं भाई अच्छी खासी ठंडक है।
तो यस, और ऐसे ही मौसम में मज़ा आता है भाई ग्राउंड मारने का, फिर ऐसे निकलने का बाहर और चाय की चुस्की मिल जाए उसमें तो वो क्या करके घर पे चाय पी गया मीटिंग कर दे। तो अभी हमारा मीटिंग करके हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं, मतलब ये जाएगी घर पे और मैं जाऊंगा यहाँ से मेरे घर पे। मौसम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो भाई जल्दी से घर पे पहुँचो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि भीग जाऊंगा तो भाई ख़त्म, क्योंकि हल्की हल्की बूंदे तो आ ही रही है। ये देखो शीशे में भी देखो ये हल्की हल्की बूंदे तो आ रही है, तो फटफट सिग्नल खुले और मैं भागूँ फटफट, क्योंकि अभी अगर अभी यहाँ पे बारिश आ गई ना भाई मेरे को आगे का ही रुकना पड़ेगा, और मुझे रुकना नहीं है, धीरे घर पे पहुँचना है, बिकॉज चार्जिंग भी नहीं है मेरे फ़ोन में और ब्लॉग एडिट भी करना है।